मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की सुर्खियां खबर। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब भर में 3 दिवसीय रेल रोको शुरू किया, 51 ट्रेनें रद्द। मुख्यमंत्री के पौत्रिक आवास पर हमले की कोशिश, बीजेपी के 2 दफ्तर फूके। मणिपुर में फिर तेज हुआ हिंसा। आसनसोल मंडल में स्वच्छ प्रसाधन एवं पर्यावरण दिवस मनाया गया। 12,000 रेल इंजन उच्च इतिहास रचते हैं, उच्च इतिहास का निर्माण करके। मंगलदीप अगरबत्ती के नकली पैकेट बाजार में पकड़े गए। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सभी पैकेट नकली है। हाल ही में बाजार में खूब बिक रही मंगलदीप अगरबत्ती के नकली पैकेट मिलने के साथ ही जेट ब्लैक ब्रांड की प्रीमियम अगरबत्ती के कई पैकेट जब्त होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रवर्तन शाखा ने आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। तलाशी अभियान के दौरान आसनसोल कुरेसी मोहल्ले की एक दुकान से 52 पैकेट नकली मंगलदीप अगरबत्ती और 65 पैकेट नकली जेट ब्लैक अगरबत्ती के पैकेट बरामद किए गए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वेयर, मेन्स वेयर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 03412211590। रेनबो बिग शॉप। राइजिंग आसनसोल आयोजित करेगा जॉब फेयर, रजिस्ट्रेशन महल्या से। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। आसनसोल के पूर्व वेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने कहा कि आसनसोल के बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्गा पूजा से पहले महल्या के दिन से शिल्पांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यह बेरोजगार युवा विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी योग्यता अनुसार नौकरियां पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद आसनसोल में जॉब फेयर 2023 का आयोजन किया जाएगा। महल्या के दिन से यह रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुसार यह रोजगार फेयर 2023 को कहां किया जाएगा यह तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस साल लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो इसे हर साल किया जाएगा। उनकी कोशिश है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरियाँ दी जा सके। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जो योग्य है उनकी नौकरियां छीनकर पैसों के बदले ही अयोग्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कई मामले भी अदालत में हैं। कई तृणमूल कांग्रेस नेता इन मामलों में जेल की हवा भी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक गैर राजनीतिक पहल की गई है और राइजिंग आसनसोल के बैनर तले इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इनकी तकरीबन 20 से 25 मल्टीनेशनल कंपनियों से बात हो गई है जो इस जॉब फेयर 2023 से स्टॉल लगाएंगे। उन्होंने कहा कि महल्या के दिन से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन की संख्या देखकर इस जॉब फेयर कहां किया जाएगा इसका स्थान निर्णय किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपर मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Shehnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Raja, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। शेल ISP कारखाने की जर्जर सड़क बनी कर्मियों के लिए आफत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा।
बनपुर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेल ISP प्लांट के BOF की ओर जाने वाली सड़क की जर्जर हालत में कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। इसके कारण हादसे भी हो रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर जल जमाव और जर्जर हालत दिख रही है। वहीं सड़क के किनारे डंपर खड़े रहने के कारण और भी परेशानी होती है। कर्मियों का कहना है कि जब भी वर्षा होती है इस रोड पर जल जमाव निश्चित है। ISP प्रबंधन को इसकी जानकारी होते हुए भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह रोड सारा मरा गेट से घुसने वालों के लिए मुख्य रास्ता है। प्रबंधन करोड़ों रुपए सेफ्टी के नाम पर खर्च करती है लेकिन पैसा कहाँ खर्च हो रहा प्रबंधन ही जाने। रोड पर जल जमाव कंकर और कीचड़ देखेंगे। इसके साथ साथ रोड के किनारे खड़े डंपर जो कि कर्मियों को हादसे को आमंत्रण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं 28/9/2023 ब्लास्ट फर्नेस धमन भट्टी 5 का एक कर्मी ए शिफ्ट ड्यूटी पर घर जाते समय गिर गया। इस हादसे में उसको गंभीर चोटें आई और उसको प्लांट के अस्पताल OHS ले जाया गया जहां से उसको बनपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती करना पड़ा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। 12,000 रेल इंजन उच्च इतिहास रचते हैं, उच्च इतिहास का निर्माण करके। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब द्वारा। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना चालू सितंबर माह में सचमुच इतिहास रच दिया है। कंपनी ने सितंबर 2023 में 12,000वें रेल इंजन का उत्पादन पूरा किया जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर चलना शुरू हुआ। 73 वर्षों के दौरान यह गौरवशाली अध्याय भारत के बेहतरीन रेलवे इंजन कारखाने के ताज में सबसे रंगीन पंख बन गया। ध्यान दें कि यह उपलब्धि दुनिया के विकासशील देशों में पहली और एशिया में दूसरी और दुनिया में रेलवे इंजन बनाने वाले देशों में पांचवी है। तदनुसार चितरंजन ने 1950 और 1972 के बीच 2,351 भाप इंजन, 1968 और 1993 के बीच 842 डीजल इंजन और 1993 और 28 सितंबर 2023 के बीच 8,807 विभिन्न प्रकार के उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का उत्पादन किया। रेलवे अधिकारियों ने उल्लेख किया है कि 12,000 रेलवे इंजनों का निर्माण करके CLW द्वारा बनाए गए इतिहास की उपलब्धि का श्रेय इस संगठन से जुड़े सभी कर्मचारी का अधिकारियों और सभी संबंधित लोगों को जाता है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि CLW इंजन उत्पादन में स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके इंजन उत्पादन की लागत को कई गुना कम करने में सक्षम है। जहां 1998 में एक इंजन बनाने की लागत 35 करोड़ रुपए थी, वहीं 2023 में लागत घटकर 10 करोड़ 42 लाख रुपए हो गई है। चितरंजन रेल इंजन फैक्ट्री को अपने उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को लगातार बनाए रखने के लिए 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। शेल बोनस के लिए NJCS बैठक बुलाने की मांग, CITU ने लिखा पत्र। समाचार का यह भाग प्रायोजित SK इन्फोकॉम द्वारा। C2 से संबद्ध ABK मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन की ओर से सेल ISP कर्मियों के बोनस को लेकर ED PAD को पत्र लिखा गया। यूनियन के महासचिव सौरन चटर्जी ने कहा कि त्योहारी सीजन नजदीक है और इस्पात उद्योग के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक बोनस ASPS के भुगतान को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। पिछले वर्षों में देखी गई एक पुरानी प्रथा के अनुसार प्रबंधन अभी भी चर्चा में देरी करने का पुराना कार्ड खेल रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस रवैये के कारण हम पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक अवसरों पर त्यौहार से
पहले बोनस का भुगतान नहीं कर सके। पिछले साल हम 18 अक्टूबर को एक MOU पर पहुँचे थे और स्टील उद्योग में पहली बार सभी इकाइयों के लिए 40,500 रुपये की राशि समान रूप से तय की गई थी। सेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। सेल का क्रूड स्टील उत्पादन 5.3% की वृद्धि के साथ 18.289 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। कंपनी का टर्नओवर 1.03 लाख करोड़ से अधिक के नए मील के पत्थर पर पहुंच गया है। NJCA ने 39 महीने का बकाया विभिन्न भत्ते जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान नहीं होने के बावजूद सेल के स्थायी और अनुबंधित कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. नारायणपुर बाजार तक डेंगू जागरूकता अभियान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। सलानपुर ब्लॉक और पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के रूप नारायणपुर ग्राम पंचायत स्वास्थ्य विभाग एवं सलानपुर पंचायत समिति के संयुक्त पहल से आज रूप नारायणपुर सब्जी बाजार में डेंगू पर नियंत्रण एवं क्षेत्र को साफ सफाई रखने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। ब्लीचिंग के साथ साथ गैमेक्सिन पाउडर का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि सलानपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में तथा पंचायत समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त पहल से आम लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा जिन जिन स्थानों पर गंदी नालियां हैं वहां मच्छर मारने वाले दवा गैमोक्सिन पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। इस दिन कार्यक्रम में जिला परिषद प्रमुख मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सिंह, अभिजीत गुप्ता, रूप नारायणपुर पंचायत अध्यक्ष अर्पणा दास, उप प्रमुख संतोष चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल मंडल में स्वच्छ प्रसाधन एवं पर्यावरण दिवस मनाया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 16/9/2023 को शुरू हुआ और जो 30/9/2023 तक जारी रहेगा। स्वच्छता पखवाड़ा के एक हिस्से के रूप में आज आसनसोल मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छ प्रशासन और पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल स्टेशन इलेक्ट्रिक लोको शेड, आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के शौचालयों, दुर्गापुर स्टेशन, पानागढ़ स्टेशन, कुमार डूबी स्टेशन, बड़ाकर स्टेशन, सीतारामपुर स्टेशन, चितरंजन स्टेशन, अंडार रेलवे स्टेशन और कॉलोनिया रानीगंज स्टेशन, पांडेश्वर स्टेशन और कॉलोनिया मानकर स्टेशन और JCD रेलवे स्टेशन पर शौचालयों की खराब फिटिंग्स, सेप्टिक टैंक, जल निकासी पाइपलाइन और टाइल्स की मरम्मत के लिए गहन अभियान चलाया गया। सीतारामपुर और बराकर स्टेशनों पर दिव्यांगजनों की शौचालय तक पहुंच मार्ग की समीक्षा की गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। शेल ISP में भी अनाधिशासित कर्मचारी संघ बनेगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। बर्नपुर एक इस्पात उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का अब श्रमिक संगठनों पर से भरोसा उठने लगा है। भिलाई और बोकारो के बाद अब अगला प्लांट कौन है जहां पर युवा कर्मी मान्यता प्राप्त संगठनों से इतर अपना संगठन करेंगे। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ISP में भी भिलाई और बोकारो की तर्ज पर अनाधिशासी कर्मचारी संघ बनने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कोऑपरेटिव
चुनाव के दौरान इंटक में फूट देखने को मिली। यूनियन के निर्देशों को दरकिनार कर गई इस अध्यक्षों ने चुनाव लड़ा और बीएमएस तथा आईएनटीयूसी के साथ मिलकर इंटक को बोर्ड से बेदखल कर दिया। इसके बाद इंटक ने चार लोगों के निष्कासन का प्रस्ताव लाया जिसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र नेतृत्व को भेजा गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डी के लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। व्हाट टू बी अ डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। रेगुलर क्लासेस 11-12 ऋषि अरविंद नगर बिरला रोड कुलटी पश्चिम बर्धवान वेस्ट बंगाल। मुख्यमंत्री के पैतृक आवास पर हमले की कोशिश, बीजेपी के दो दफ्तर फूके। मणिपुर में फिर तेज हुई हिंसा। मणिपुर में दो युवा छात्राओं की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान गुरुवार देर रात भीड़ ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे विफल कर दिया। मुख्यमंत्री हालांकि पैतृक आवास पर नहीं रहते हैं और वह अपने आधिकारिक आवास में रहते हैं। इधर उससे पहले गुसाई भीड़ ने एक बीजेपी कार्यालय को जला दिया और थाबल जिले में सत्तारूढ़ पार्टी के एक अन्य कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने इफाल में डीसी कार्यालय परिसर के अंदर दो वाहनों में भी आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों ने लाठियों भांजकर और आंसू गैस के एक गोले डालकर हालत पर काबू पाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इम्फाल के हिंगाग इलाके में मुख्यमंत्री के पैतृक आवास पर हमला करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को आवास से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस आवास में कोई नहीं रहता है, हालांकि यह कड़ी सुरक्षा में है। मणिपुर के अलग अलग स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं दोनों की भीड़ हिंसक हो गई है। उन्होंने खोंगजाम में एक 3 मंजिला इमारत को जला दिया, इसे बीजेपी कार्यालय था, और थौबल जिले के वांगजिंग में एक और इमारत में तोड़फोड़ की, इसमें भी बीजेपी कार्यालय था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब भर में 3 दिवसीय रेल रोको शुरू किया, 51 ट्रेनें रद्द। हाल की बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों ने गुरुवार को पंजाब में 12 स्थानों पर 3 दिवसीय रेल नाकाबंदी शुरू की। मंडल रेल प्रबंधक फिरोजपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 51 ट्रेनें रद्द कर दी गई जबकि 29 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। अपनी मांगों को लागू कराने की मांग को लेकर 6 उत्तर भारतीय राज्यों के 19 किसान संघों द्वारा रेल रोको का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के 6 किसान संघों में से मुख्य संगठन किसान मजदूर संघर्ष समिति है जिसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की यूनियनों से समर्थन मिला है। उनकी मुख्य मांगों में प्रभावित उत्तर भारतीय राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बाढ़ राहत पैकेज, एमएसपी गारंटी कानून, मनरेगा के तहत 300 दिन का रोजगार और विशेष रूप से पंजाब में नशीली दवाओं की लत पर नियंत्रण शामिल है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिज्म, टू डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।